हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग ए टू जेड में। मैं आप सब के साथ विंटर स्पेशल में लेकर आई हूँ चावल और मेथी के लड्डू। और ये लड्डू मैं बनाऊँगी नए चावल से। जब खेत से नए चावल निकलते हैं तब इस चावल से लड्डू बनाया जाता है, क्योंकि ये चावल गर्म होते हैं और विंटर में हम कोशिश करते हैं कि गर्म चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ इसमें हम ऐड करेंगे मेथी, जिंजर पाउडर, जैगरी, वाइट तिल, गोंद। ये सारी चीज़ें काफ़ी गर्म होती हैं और विंटर में हमारी बॉडी को काफ़ी प्रोटेक्ट करती हैं। तो चलिए लड्डू की रेसिपी चेक कर लेते हैं। लड्डू बनाने के लिए मैं ले रही हूँ बॉयल राइस, जिसे सेला चावल भी कहा जाता है। और ये नया चावल है, खेत से जब नया चावल निकलता है उसी चावल से ये लड्डू बनता है। और इसे हम वॉश नहीं करेंगे, इसे मैंने कॉटन क्लोथ से अच्छे से साफ़ कर लिया था। और ये इस कप से मैं ले रही हूँ, ये इस कप से 4 कप मैंने लिया है चावल। और वेट में ये है 1 kg। इसे हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। चावल के साथ साथ हम कुछ और चीज़ें भी ड्राई रोस्ट करेंगे। तो मेथी की लड्डू है ये चावल और मेथी के, तो इसके लिए मैंने लिया है मेथी दाना। ये है 1 tablespoon मैंने लिया है यहाँ पे मेथी दाना। और इसके साथ साथ इसमें कुछ चीज़ें और भी हम ऐड करेंगे। तो ये मैं ले रही हूँ सफ़ेद तिल है ये, सेसमे सीड, ये मैंने लिया है 1/4 cup। इसे भी हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। और इन सबको ड्राई रोस्ट करने के लिए मैं ले रही हूँ ये मोटी तले की कढ़ाई। और इसे हम गर्म कर लेंगे। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है। और इसमें हम ऐड करेंगे मेथी दाना। और इसे हम लगातार चलाते हुए स्लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हमें रोस्ट कर लेना है। जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं होता इसे हमें रोस्ट कर लेना है। 5 से 7 मिनट लगेगा इसे रोस्ट होने में। तो ये देख सकते हैं इसका धीरे धीरे से कलर चेंज होने लगा है। 2 मिनट और हमें लगेगा इसे रोस्ट करने के लिए। और फिर इसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है। इसे हम बाहर निकाल लेंगे और इसे हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और फिर इसमें हम रोस्ट करेंगे सेसमे सीड। कढ़ाई हमारी पहले से ही गर्म है तो फ्लेम को बिल्कुल ही हम स्लो रखेंगे और स्लो फ्लेम पर इसे हम रोस्ट करेंगे। इसे रोस्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और बस इसका जैसे ही कलर चेंज हो जाएगा इसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये भी बिल्कुल तैयार हो गया है, इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है, थोड़ा डार्क सा कलर आ गया है। और अब इसे हम रख लेंगे साइड में। और फिर इसमें हम रोस्ट करेंगे चावल। और चावल को हम एक साथ करके नहीं रोस्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसे हमें रोस्ट करना है। और फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर लगातार इसे चलाते हुए हमें रोस्ट करना है। इसका कलर अच्छा ब्राउन सा आ जाएगा तब इसे हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि इसके बाद तो इसे हमें कुक नहीं करना। तो इसे हम अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे ताकि ये कच्चा ना हो। तो चावल का कलर भी अच्छा ब्राउन हो गया है और अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। और इसी तरह मैं बाकी के भी चावल को ड्राई रोस्ट कर लूँगी। ये मैं और ले रही हूँ, मैंने अभी भी आधा ही चावल लिया है। और फिर इसे हम लगातार चलाते हुए इसे भी मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करके निकाल लेंगे। तो चलिए, चावल तो हमने सारा रोस्ट कर लिया है और इसका कलर भी बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। और इसमें हम ऐड कर लेंगे जो हमने मेथी को रोस्ट करके रखा हुआ था। और साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे सफ़ेद तिल। और इन सारी चीज़ों को हम एक साथ मिक्स कर लेंगे और इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। बहुत फाइन पाउडर तो नहीं बनाना है इसका, बिल्कुल थोड़ा सा इसे दरदरा सा रखेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है एक मिक्सी का जार और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो मैं इसे अब ग्राइंड करके लाती हूँ। तो ये देख सकते हैं इसका मैंने पाउडर बना लिया है। और इसी तरह मैं बाकी चावल का भी पाउडर बना लूँगी। और इसे हमें बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा ये दरदरा सा ही अच्छा होगा, तभी लड्डू में हमारे टेस्ट आएगा। तो इसी तरह मैं बाकी सारे ही चावल को पीस लूँगी। तो ये चावल सारा मैंने पीस लिया है। और ये मैं ले रही हूँ 1/3 cup गोंद है ये, इसे हमें फ्राई कर लेना है। तो इसके लिए हम लेंगे कढ़ाई और इसमें हम ऐड कर लेंगे घी।
और घी मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ये बड़े चम्मच से मैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच घी ले रही हूँ। ये घी लगभग 1/2 कप होगा और ये जैसे ही गर्म होता है इसमें हम फ्राई कर लेंगे गोंद को। ये मैंने थोड़ा सा डाल के देखा है, घी हमारा प्रॉपर गर्म हो गया है। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम डालेंगे और स्लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे हम फ्राई करके निकाल लेंगे। तो ये देखें लगभग हमारा ये फ्राई हो गया, इसे हम बाहर निकाल ले रहे हैं। फ्लेम को मैंने बिल्कुल भी स्लो रखा हुआ है और मैं थोड़ा थोड़ा करके इसे फ्राई कर रही हूँ। अगर एक साथ आप सारा डाल देंगे तो गोंद ऊपर से तो ब्राउन हो जाएगा और नीचे से अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसे थोड़ा थोड़ा करके ही हमें इसे अच्छी तरह से क्रिस्पी करके फ्राई करके निकाल लेना है। तो ये देखें ये भी हो गया है, इसे भी मैं अब निकाल लूँगी बाहर। तो ये सारा गोंद मैंने फ्राई कर लिया है। जो कढ़ाई में घी बचा हुआ है इसमें हम और भी घी ऐड करेंगे। ये मैं 2 बड़े चम्मच घी और डाल रही हूँ। ये मैंने लिया है 1 कप घी और इस घी में हम ऐड करेंगे जो हमने चावल को ग्राइंड करके रखा हुआ था। फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो किया हुआ है और सारे चावल को इसमें हम ऐड कर लेंगे और इसे हम घी के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो सारे चावल को हमें प्रॉपरली घी के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये देखें ये हल्का हल्का सा मिक्स होने पे आ गया है। इसे मैं बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, बस इसे अच्छी तरीके से जब ये घी के साथ मिक्स हो जाएगा तो बस इसमें हम बाकी भी चीज़ें ऐड कर लेंगे। तो ये देखें ये बिल्कुल हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, सारे चावल में घी अच्छे से दिख रहा है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने गोंद को फ्राई करके रखा था, इसे मैंने क्रश कर लिया है और इसमें हम ऐड कर लेंगे गोंद। और ये मैं ले रही हूँ, ये है जिंजर पाउडर और इसे सोल्ट भी कहा जाता है। ये मैंने लिया है 1/4 कप और इसे भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। और साथ ही इसमें हम ऐड कर रहे हैं ये सूखा नारियल, इसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, ये मैं ऐड कर रही हूँ। ये अपने हिसाब से आप ऐड कर लें। और ये मैंने काजू को भी छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था। और ये है बादाम, इसे भी मैंने स्लाइस कर लिया है, इसे भी मैं इसमें ऐड करूँगी। और इन चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा हम ऐड कर रहे हैं इसमें किशमिश और बस इन सबको अच्छे से हम मिक्स करना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, फ्लेम को भी मैंने ऑफ कर लिया है और अब इसे हम साइड में कर लेंगे। और ये मैं ले रही हूँ गुड़ जैगरी और ये मैंने लिया है 1/2 kg, इसे हमें मेल्ट कर लेना है। तो कढ़ाई को मैंने गर्म करने के लिए रख लिया है और इसमें हम ऐड कर लेंगे गुड़ और थोड़ा इसमें हम ऐड करेंगे पानी। इसमें मैं ले रही हूँ 1/2 कप पानी और फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो रखा हुआ है, स्लो फ्लेम पर इसे हमें मेल्ट कर लेना है। इसकी हमें चाशनी नहीं बनानी, तो बस इसे हम इसी तरह थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और इस प्रोसेस में लगभग हमें 5 से 7 मिनट लगेगा। तो आप देख सकते हैं ये हल्का हल्का सा मेल्ट होने लगा है और जो आपको ये बड़ा बड़ा सा दिख रहा है इसे हमें क्रश करते जाना है। इसे आप इस तरह से दबाते जाएंगे और ये अच्छे से मिक्स होता जाएगा। इसे हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, अगर इसे हमने बहुत ज़्यादा कुक कर लिया तो लड्डू हमारा सख्त बनेगा। तो बस ये जैसे ही गर्म होता है इसमें हल्का सा उबाल जैसे ही स्टार्ट होगा हम फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और फिर ऑफ़ करने के बाद हम इसमें जो हमने मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ था उसे हम इसमें मिक्स करेंगे। तो ये देखें ये बिल्कुल अब हमारा होने पे आ गया है। फ्लेम को हम ऑफ़ कर लेंगे क्योंकि इसे हमें कुक नहीं करना। और अब इसमें हम मिक्स कर लेंगे जो हमने रेडी करके रखा हुआ मिक्सचर। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और इसे हम लगातार चलाते भी जाएंगे।
इस सारे मिक्सचर को अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। फ्लेम बिल्कुल मैंने ऑफ किया हुआ है, तो ये सारा मिक्सचर मैंने इसमें ऐड कर लिया है और इसे हमें लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये अभी भी गर्म है और गर्म में ही इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मैंने ऑफ कर लिया है और इसे अब हम फ्लेम से नीचे उतार लेंगे और नीचे रखने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब ये लड्डू बनने के तैयार है, तो मैं आपको चेक कराती हूँ। तो ये देखें, ये काफ़ी अच्छे से लड्डू बन रहा है इसका। जिस शेप में चाहें, जिस साइज़ में चाहें, आप इसका लड्डू बना सकते हैं। और देख सकते हैं इसमें आपको अभी घी काफ़ी दिख रहा होगा। ये अभी इसमें घी ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि ये अभी गर्म है, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा घी इसमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। आपको ठंडा होने के बाद मैं दिखाऊंगी, इसलिए आप घी की क्वांटिटी कम नहीं करेंगे। अगर आपने घी कम डाला तो लड्डू बहुत ही सख्त बनेगा, फिर इसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बस इसी तरह सारे लड्डू को हम बनाते जाएंगे। साइज़ आप छोटा या बड़ा अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो इस तरह सारे लड्डू को आप बना के तैयार कर लें। और 1 kg आटे से मैंने लगभग 60 लड्डू बनाए हैं। लड्डू ठंडा होने के बाद काफ़ी परफेक्ट दिख रहा है, न ज़्यादा इसमें आपको घी दिखाई दे रहा होगा। ठंडा होने के बाद लड्डू घी को अब्सॉर्व कर लेता है और इस लड्डू को आप काफ़ी टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।